Let's continue from the last line of this page. He even gnawed, hatta ki usne chabaya, at the dried pieces, khushk tukron ko, of spotted eggshell, ando ke nishan zada chhilkon, jin ando se wo nikla hai, theek hai? Hatta ki usne nishan zada ando ke chhilkon ko bhi chabaya. It was like eating part of himself. ये अपने किसी हिस्से को खाने जैसा था. He had then trotted back and forth. फिर उसने चहलकदमी की from one end of the ledge to the other, चट्टान के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ. His grey body, the color of the cliff. उसका सुरमई जिस्म चट्टान के रंग जैसा था. His long grey legs, उसकी लंबी सुरमई टांगें, stepping daintily, कमजोरी से कदम उठा रही थी. Trying to find some means of reaching his parents without having to fly, बिना उड़े अपने वालिदैन के पास पहुंचने का जरिया तलाश करने की कोशिश कर रहा था. Translation पूरे sentence की सुने. फिर उसने चट्टान के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ चहलकदमी की. उसका सुरमई जिस्म चट्टान के रंग जैसा था और उसकी लंबी सुरमई टांगें कमजोरी से कदम उठा रही थी और वो कोशिश कर रहा था कि अपने वालिदैन के पास बिना उड़े पहुंचने का रास्ता तलाश करे. But on each side of him, लेकिन उसके हर तरफ, the ledge ended, चट्टान खत्म होती थी in a sheer fall of precipice, गहरी ढलान में, with a sea beneath, जिसके नीचे समुद्र था. And between him and his parents, और उसके और उसके वालिदैन के दरमियान, there was a deep, wide chasm. गहरा वसी शगाफ था. शगाफ आपने देखा होगा, दो चट्टानों के दरमियान, दो पहाड़ों के दरमियान एक आप खुला रास्ता होता है उसको कहेंगे. दूसरा जो दरार आ जाती है दीवारों में या किसी पहाड़ के पत्थर में, उसको भी कहा जाता है चैस्म, शगाफ. उसके और उसके पेरेंट्स, उसके वालिदैन के दरमियान गहरा वसी शगाफ था या दरार थी. एंड अबव हिम ही कुड सी नथिंग, और अपने ऊपर वो कुछ नहीं देख सकता था. द प्रेसिपाइस वाज शियर, ढलान गहरी थी. एंड द टॉप ऑफ इट, और उसकी चोटी, वाज परहैप्स फार्दर अवे, ज्यादा दूर थी देन द सी बीनीथ हिम, नीचे समुंदर से भी. चट्टान बहुत गहरी थी, ढलवान बहुत गहरी थी, और उसकी चोटी शायद नीचे समुंदर से भी ज्यादा दूर थी. He stepped slowly out to the brink of the ledge. उसने चट्टान के किनारे की तरफ आहिस्तगी से कदम बढ़ाया. And standing on one leg, और एक टांग पर खड़े हुए, with the other leg hidden under his wing, दूसरी टांग अपने पर के दरमियान छुपाए हुए, he closed one eye, उसने एक आंख बंद की, then the other, और फिर दूसरी, and pretended to be falling asleep, और दिखावा किया कि वो सो रहा है. यहाँ पर आपको एक और थीम पता चला, it's a way to get rid of the behavior of society. जब हम नाकाम हो रहे होते हैं किसी चीज में, तो हम pretend करते हैं that I don't care, but it's us who care the most. यहाँ पर आपने ये साथ में थीम लिखना है, पीपल फाइंड डिफरेंट वेज टू गेट रिड ऑफ द बिहेवियर ऑफ द पीपल. उसने चट्टान के किनारे की तरफ आहिस्तगी से कदम बढ़ाए, एक टांग पर खड़ा हो गया और दूसरी टांग को पर के अंदर छुपा लिया, अपनी एक आंख बंद की और फिर दूसरी, और सोने का दिखावा किया. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, किनको दिखा रहे हैं, अपनी फैमिली को. उन्होंने फिर भी उस पर गौर नहीं किया. He saw his two brothers and his sister. उसने अपने दोनों भाइयों और बहन को देखा, lying on the plateau, सतह मर्तफा पर लेटे हुए, dozing, गनुदगी में या ऊंघते हुए, with their heads, अपने सरों को sunk into their necks, अपनी गर्दनों में छुपाए. उसने अपने भाइयों और बहन को सतह मर्तफा पर ऊंघते हुए देखा, जो अपनी गर्दने परों में छुपाए हुए थे. His father was preening the feathers. उसका बाप अपने परों की सफाई कर रहा था, आपने देखा होगा चोंच से वो साफ करते हैं. On his white back, अपनी सफेद कमर की. उसका बाप अपने सफेद कमर के परों की सफाई कर रहा था. Only
his mother was looking at him. सिर्फ उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी. इसके साथ थीम लिखे हैं और मैं देखना चाहती हूँ कि इसके साथ आप क्या थीम लिखते हैं. It's about the feelings of your mother. She was standing on a little high hump on the plateau. वो सतह मुर्तफा पर एक गोल मेहराब पर खड़ी थी. हम जो गोल उभार होता है उसको कहते हैं. वो सतह मुर्तफा पर एक गोल बड़े उभार पर खड़ी थी. Her white breast thrust forward. और उसका सफेद सीना धड़क रहा था. Now and again she tore at a piece of fish. वो बार बार मछली का टुकड़ा तोड़ती. That lay at her feet, जो उसके कदमों में पड़ा था, जो उसके पाँव में पड़ा था. And then crab each side of her beak. और फिर अपनी चोंच का चोंच के दोनों अतराफ को रगड़ती on the rock चट्टान पर. ये परिंदे अपनी चोंच को तेज करने के लिए करते हैं. उसका सफेद सीना धड़क रहा था. वो बार बार अपने पाँव के करीब पड़ी मछली का टुकड़ा तोड़ती और चट्टान पर अपनी चोंच को हर तरफ से तेज करती या साफ करती. द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम. खुराक के मंजर ने उसको पागल कर दिया. यहाँ पर आप मदर उसको देख रही है और उसको साथ साथ खाना दिखा रही है क्योंकि वो जानती है उसकी अब जरूरत है. वो इसके बिना रह नहीं सकता. तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आपको शदीद जरूरत होती है किसी भी चीज की या आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं तो फिर ही आप स्टेप फॉरवर्ड करते हैं अपना. How he loved to tear food that way. वो कैसे इस तरह खुराक को फाड़ना पसंद करता था मछली को. Scraping his beak now and again to wet it. और अपनी चोंच को तेज करने के लिए wet it तेज करने के लिए चट्टान पर रगड़ता था. He uttered a low cackle. उसने हल्की सी आवाज निकाली. हल्की आवाज किस लिए? मदर को दिखाने के लिए. His mother cackled too. उसकी माँ ने भी आवाज निकाली. And looked over at him. और उसकी तरफ देखा. गा 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 he cried. वो चिल्लाया. अब वो उसे रहा नहीं जा रहा तो अपनी माँ से मदद मांग रहा है. Begging her to bring him over some food. मिन्नत करते हुए कि वो उसे कुछ खाना ला दे. Gaul ha ये आप उसके साउंड कहने उन्होंने बनाई है. She screamed back. वो वापस चिल्लाई. Derisively वो वापस जोर से चिल्लाई. But he kept calling. लेकिन वो बुलाता रहा. Plaintively and after a minute. अब वो हम यहाँ पर हैं कि वो बुला रहा है अपनी मदर को. She screamed back derisively. वो तंज से भरपूर तंज या अंदाज में वापस चिल्लाई. मतलब जोर से बोली इस तरह से कि उसका मजाक उड़ा रही है. वो तंजिया अंदाज में वापस चिल्लाई. But he kept calling. लेकिन वो उसे बुलाता रहा plaintively गम से. And after a minute और एक लम्हे बाद और सो या थोड़ी देर बाद ही uttered उसने निकाली a joyful scream. खुशी से भरपूर आवाज. खुश क्यों हुआ? His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him. अब उसने देखा कि मेरी माँ मेरी तरफ खाना लेकर आ रही है तो खुशी से आवाज निकाली. वो गम से या अफसोस से उसे बुलाता रहा. एक लम्हे या कुछ देर बाद उसने खुशी से भरपूर आवाज निकाली. उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया था और उसकी तरफ उड़ रही थी. He leaned out. वो आगे को झुक गया eagerly, शौक से, बेचैनी से. अब उसे सबर नहीं हो रहा. Tapping the rock with his feet. चट्टान पर अपने पाँव मारते हुए. Trying to get nearer to her as she flew across. जब वो उड़ रही थी तो उसके करीब होने की कोशिश करते हुए अपने पाँव चट्टान पर मार रहा था. But when she was just opposite to him. लेकिन जब वो उसके मुखालिफ आई abreast of the ledge चट्टान के बराबर. She halted. वो रुक गई. Her legs hanging limp. उसकी टांगे बेजान हो गई. Her wings motionless. और उसके पर साकिन थे. The piece of fish in her beak. मछली का टुकड़ा उसकी चोंच में था. Almost within reach of his beak. Almost तकरीबन within reach पहुंच में था of his beak उसकी चोंच के. अब जो यंग सीगल है उसके बिल्कुल करीब आकर मार रुक गई है. यहां से ट्रांसलेशन फिर से सुन लें. लेकिन जब वो उसके मुखालिफ पहुंची चट्टान के बराबर वो रुक गई.
उसकी टांगे बेजान थीं और उसके पर साकिन थे। मछली का टुकड़ा उसकी चोंच में था जो तकरीबन नन्हे बगले या उसकी चोंच की पहुंच में था। He waited a moment in surprise. उसने हैरानी से कुछ लम्हे इंतजार एक लम्हा इंतजार किया, wondering हैरान होते हुए, why she did not come nearer? वो करीब क्यों नहीं आई? And then और फिर maddened by hunger, भूख से पागल हो गए, he dived at the fish. उसने मछली पर छलांग लगाई। With a loud scream, एक बुलंद चीख के साथ, he fell outwards. वो बाहर की तरफ गिरा, मतलब चट्टान से आगे बाहर को, and downwards और नीचे की तरफ, into space खला। भूख से पागल होकर उसने मछली पर छलांग लगाई। एक बुलंद चीख के साथ वो बाहर और नीचे खला में गिर गया। His mother had swooped upwards. उसकी माँ ऊपर को उठ गई। As he passed beneath her, जब वो उसके करीब से गुजरा, he heard, उसने सुनी, the swish of her wings, उसके परों की सरसराहट को। माँ ऊपर को उड़ी, यंग सीगल नीचे को गया, तो दोनों एक जगह पर बराबर जब हुए, तब उसने वो सरसराहट सुनी। उसकी माँ ऊपर को उठ गई और जब वो उसके करीब से गुजरा तो उसने उसके परों की सरसराहट को सुना। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो टाइमिंग कंप्लीट हो गई है।